नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन के अंदर। और कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और उसी क्रम में एक और बेहतरीन प्यारा कदम आप मेरे साथ बढ़ा रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम और जय भारत। आयुष वर्मा जी कैसे हैं आप? अनीता जी, ममता जी, अनु जी, हर्षित जी, मुकीम कैसे हैं आप? एंड कुलदीप जी कैसे हैं आप? स्वागत आपका। कल हम चर्चा कर रहे थे चिंतन की, तो आइए चिंतन पे थोड़ा और चिंतन करते हैं आज के सेशन में और जानते हैं थोड़ा सा और विस्तार से चिंतन के बारे में। आशा करता हूं कि आप मुझे प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और आपको किसी प्रकार की कोई भी टेक्निकल इशू नहीं हो रही है। एक बार कमेंट करके बताएं। उदयलाल मीना जी कैसे हैं आप? सुमन चौधरी जी स्वागत आपका। आधार एजुकेशन स्वागत आपका। डीजे कैसे हैं आप? बजा दोगे अब की बार डीजे भाई? अब की बार 2023 के 22 का जो रिजल्ट आएगा उसमें तो डीजे बज जाएगा ना। तो 16 नंबर सेशन है ये और यूनिट नंबर चल रही थी, वो चल रही थी कौन सी यूनिट नंबर अपनी 8 चल रही थी, शिक्षा 11 के लिए। और इसमें हम कितना पढ़ चुके थे? इसमें हम चिंतन के बारे में पढ़ चुके थे, सवली चिंतन के बारे में पढ़ चुके थे, यथार्थवादी चिंतन के बारे में हम जो हो पढ़ चुके थे, तर्कना के बारे में हम पढ़ रहे थे और तर्कना के अंदर हम निगमात्मक तर्कना के बारे में चर्चा कर रहे थे। आइए यहीं से वापस शुरू करते हैं। तर्कना के बारे में हम समझ रहे थे, तर्कना का मीन क्या था? तर्क करना, है ना। और तर्कना जो है वो दो प्रकार की होती है। तर्कना के निम्न चार प्रकार होता है, जिसमें पहला प्रकार हम डिस्कस कर रहे थे निगमनात्मक तर्कना। बताएं क्या होता है? पहले तो आपने दो विधियां पढ़ी होगी अगर आपको याद आ रहा है तो, आगमन और निगमन विधि। याद आ रहा है आपको? आगमन और निगमन विधि। तो जो वहां पर निगमन विधि थी उसी से क्या बना है? निगमनात्मक बना है। वन लाइनर क्वेश्चन तो सही रहेंगे, लेकिन अगर राजस्थान जीके होता तो वन लाइनर क्वेश्चन ही करवाता मैं आपको। आप अगर मनोविज्ञान के पेपर देखते हो तो आप सीटेट के 2011 से लेकर 18 तक के 21 तक के सॉरी और रीट 2011 से 21 तक के पेपर देखो, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, समस्या बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और थ्योरिकल क्वेश्चन जो बहुत कम आते हैं। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है, गणित के जैसा सब्जेक्ट है। मनोविज्ञान जो है वो मैथ के तरीके का सब्जेक्ट है, इसमें हम रट्टा नहीं लगा सकते। और वन लाइनर क्वेश्चन तो केवल रट्टा लगाने के काम आता है, वन लाइनर क्वेश्चन तो केवल जो है वो रट्टे लगाने के काम आता है और इसमें हम रट्टे नहीं लगा सकते हैं। जया सैनी जी कैसे हैं आप? मोनिका जी, महेश जी कैसे हैं? आरसी कैसे हैं आप? तो इसलिए हमें जो है वो पढ़ना पड़ेगा डिटेल में और कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, टॉपिक को समझना पड़ेगा रचना जी, तब जाकर आपको क्वेश्चन पेपर में आप हल कर पाओगे। क्योंकि इसमें हम इतिहास की तरह से, भूगोल की तरह से रट नहीं सकते हैं चीजों को। हालांकि वन लाइनर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर रहा हूं कि करवाऊंगा नहीं, करवाएंगे हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन, लेकिन पहले डिटेल में कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाएंगे फिर हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी जो है वो करवाएंगे। बताइए वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है? अब तो शायद वॉइस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अगर आ रही है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको और फिर आपको जो है वो थोड़े 2-4-5 दिनों में अपना नया माइक आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गुणात्मक तर्क वैसी तर्कना को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात एवं तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। अर्थात मैं सीधे सीधे कहूं कि सूत्र से निष्कर्ष पर पहुंचता है। सूत्र से क्या पहुंचता है? निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे कि किसी ने कहा कि कोई वस्तु जो है वो 50 रुपये में खरीदी गई है, क्रय की गई है और 60 रुपये में उसको जो है वो विक्रय किया गया है और आपसे पूछे कि लाभ बताओ, तो आप क्या करोगे? अगर आप निगमनात्मक तर्क करोगे तो क्या करोगे?
ये कह दोगे सूत्र लगा के कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 10 रुपये लाभ दिखा दोगे, ये तो निगमनात्मक तर्क हो गया। इसी को अगर आप आगमनात्मक तर्क करोगे तो फिर क्या करोगे? आगमनात्मक तर्क में आप तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, उस पर और ज्यादा चिंतन करेंगे और फिर जो है वो उत्तर निकाल लेंगे। आगे पढ़ते हैं। इस ढंग की तर्कना मानव एवं पशु दोनों के द्वारा ही की जाती है। निगमनात्मक तर्कना इस तरह के वाक्यों के आधार पर निकाले गए परिणाम से स्पष्ट रूप से सम्मिलित होती है। जैसे मरणशील है, जैसे कल हमने पढ़ा था मोहन एक मनुष्य है और मोहन मरणशील है, क्या है ये सीधा सीधा निगमनात्मक तर्क है। कोई भी जो है कल्पना का कोई भी लेना देना नहीं है, इसमें हम खुद करके नहीं सीख रहे हैं। एक सेकंड रुको, क्या हो रहा है? इसको थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी ही ना। ये जो समय है ना 2 बजे वाला, ये 2 बजे वाला समय ही प्रॉब्लम है। 1 बजे 1.5 बजे से हमने इसको क्या किया? 2 बजे किया। 1.5 बजे से हमने क्या किया? 2 बजे किया। ना लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी जो समस्याएं हैं क्रिएट हो रही है, तो बहुत जल्दी इनको भी हम जो है क्या करेंगे, इनका भी हम क्या करेंगे, समाधान करेंगे। बहुत ही जल्दी करेंगे। एक सेकंड रुको, मैं इसके सेल कर देता हूं। समस्याएं तो सारी ही हल हो जाएगी, लेकिन क्या है कि अब समय लग जाता है कभी कभी समस्याओं को हल करने में। लेकिन कोई बात, अभी देखो अभी आवाज आ रही है आपको प्रॉपर तरीके से? क्या अभी आपको प्रॉपर आवाज आ रही है मेरी? क्या अभी आप मुझे प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं? नहीं आ रही है आवाज तो थोड़ा सा मेहनत कर, 2 दिन की बात हो रही है, 2 या 3 दिन की, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। करकर आवाज वगैरह कुछ नहीं आएगी फिर, है ना? फिर कुछ कोई भी करकर की आवाज नहीं आएगी। 1-2 दिन की बात है, थोड़ा सा मैनेज भी करना पड़ेगा। इसके सिग्नल कमजोर हो गए, पुराना हो गया है माइक, बेचारा माइक बूढ़ा हो गया है। माइक क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा माइक। सिग्नल इसके जो है वो क्या हो रहे हैं, चक्कर में ही कितने सेशन हमारे पेंडिंग रह गए। कोई बात नहीं, मैनेज करते हैं, देखिएगा थोड़ा थोड़ा। क्या कह रहा है आपसे? आगमनात्मक तर्कना कौन सी होती है? रचना चौधरी जी बताएं। आगमन अर्थात हम क्या करते हैं इसमें, आगमन में उदाहरण से हम और सूत्र की ओर जाते हैं, यानी सीधे सूत्र में नहीं रखते हैं। जैसे जो क्वेश्चन हमने पहले किया था कि 60 रुपए की कोई वस्तु बेची और 50 रुपए की खरीदी, तो लाभ हमने सीधे ही कह दिया कि लाभ कितना हुआ, 10 रुपए हुआ सूत्र में रखकर। बट आगमनात्मक तर्क में क्या किया जाता है कि वस्तु खरीदी कितने की, उसका भाड़ा कितना लगा, फिर जोड़ के लाभ निकाला जाता है। ठीक है, देखना एक बार इसको क्या कह रहा है ये, कि आगमनात्मक तर्कना वैसी तर्कना को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्यों को जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। जब तक व्यक्ति इन नए तथ्यों को अपनी ओर से उसमें नहीं जोड़ता, अर्थात इन तथ्यों का सृजन नहीं करता, समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। रुक क्या कहते हैं? रुक नामक एक मनोवैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि आगमनात्मक चिंतन में चिंतक अपनी कल्पना के आधार पर कुछ ऐसी चीजों को आगमनात्मक चिंतन में चिंतक अपनी कल्पना के आधार पर
कल्पना के आधार पर कुछ ऐसी चीजों को जोड़ता है जो प्रस्तुत आंकड़ों से सीधे ज्ञात नहीं की जा सकती है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं, तो मैं आपको उदाहरण पे तौर पे समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि हम उसी उदाहरण को लेते हैं कि क्रय मूल्य तो कितना रुपए था, 60 रुपए था। आप जो है वो 60 रुपए के अंदर कोई वस्तु खरीद के लेके आए, ठीक है, और आपने बेच दिया उसको कितने में, बेच दिया 70 रुपए में, ठीक है। और अगर निगमन के तरीके से सोचेंगे तो 10 रुपए लाभ दिख रहा है, लेकिन अब इसको आगमनात्मक नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें दोनों पक्षों को समझने का प्रयास करते हैं। सोचते समय, किसी समस्या का समाधान करते समय उपाय के गुण, अच्छा वही है, ठीक है, सीधे ज्ञात नहीं करते। तीसरा ये तो, अब इसमें क्या करेंगे हम, ये कहेंगे कि जी क्रय मूल्य तो 60 रुपए है ही। अब वो बंदा घर दुकान से लेकर और घर तक भी तो लेकर वो चीज को, तो यहाँ भी तो हो सकता है, कोई किराया भी तो होता है, तो 5 रुपए या 2 रुपए किराया कर देते हैं। अब ये डाटा वो खुद जोड़ रहा है कि 2 रुपए किराया कर देते हैं, लागत तो आती है। आवाज ठीक आ जाएगी, देखो बार बार मत कहो, मैं इस बात को बार बार कह चुका हूं कि 3-4 नया माइक आएगा तो समस्या का हल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं आप, थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो क्रय मूल्य हो गया 62 और विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य था आपका 70 रुपए, तो यहां पर जो लाभ होगा वो क्या होगा, यहां पर लाभ आपका 8 रुपए होगा, यहां पर लाभ आपका क्या होगा, 8 रुपए होगा, ना कि 10 रुपए होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो चिंतन आता है वो आता है आलोचनात्मक तर्कना का, आलोचनात्मक तर्कना। आलोचनात्मक तर्कना में क्या करते हैं हम, आलोचनात्मक चिंतन में हम क्या करते हैं विद्वान साथियों, आलोचनात्मक चिंतन में हम जो है वो किसी वस्तु के गुण और दोष दोनों को सोचते हैं। जैसे एक लड़का है, वो अपने घर पे कुत्ता पालना चाहता है, पेट पालते हैं हम अपने घर पर, छोटा बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, तो उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा देख ले, कुत्ता तो पाल ले, कोई दिक्कत नहीं है, कुत्ता तो पाल ले, लेकिन इस कुत्ते की पोटी यानी जो टॉयलेट करेगा वो बाहर गिरेगा, ये तुझे ही गिरना पड़ेगा, अगर तू गिरने के लिए तैयार है तो सोच ले, अगर तू ऐसा कर सकता है तो तू सोच सकता है, अगर तुझसे ये काम हो सकता है तो तुझे छूट है कुत्ता पालने की। लेकिन बेटा फिर कहता है कि माँ देखो टॉयलेट तो गिरना पड़ेगा, ये तो एक बात हो गई, लेकिन अगर कोई घर में चोर घुसा, तो ये उससे हमारी रक्षा करेगा, घर के चोर से ये चोरी होने से बचाएगा, माँ को तर्क दे रहा है वो। तो इस तरीके से किसी पक्ष के यानी किसी वस्तु के, किसी घटना के, किसी तथ्य के गुण और दोषों को जानते हुए उस पर डिसीजन लेना ही क्या कहलाता है, आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। दूसरों द्वारा किसी तथ्य या विचार को जाने पर भी उसे हूबहू उसे एक्सेप्ट नहीं करना, स्वीकार नहीं करता है, उसके गुण और दोष परख के बाद ही वह निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे कि कल हमने चर्चा की थी कि अगर आपको कोई कह देता है कि ये वस्तु अच्छी है, तो एक तो आप उसके कहने पे मान लेते हो, तो ये तो तर्क नहीं हुआ ना, ये तो तर्क नहीं हुआ, लेकिन आप खुद आप स्वयं उसके गुण और दोषों को जानते हो। ठीक है, तो रुको एक सेकंड, रुको फिर आवाज सही करते हैं।
अभी देखो, अभी मेरी आवाज सही आ रही है आपको? ये लो माइक छोड़ दिया हमने, भाग गया यहाँ से, ये माइक बूढ़ा हो गया। हालांकि बूढ़े हो गए इसका अर्थ ये नहीं कि इसको फेंक दिया जाए, ठीक है, इससे मत लेना, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा, इसकी और मरम्मत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना, इसकी एक और मरम्मत करनी पड़ेगी, है ना। इसमें पूरा वायर चेंज हालांकि किया था, लेकिन फिर भी टेक्निकल इशू आ रहे, लेकिन हमने इसके लिए नया माइक भी मंगा लिया, तो वो जल्द ही आ जाएगा। तब तक हम थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस रहेगा, लेकिन आपको जितना सुनेगा उतना अच्छा सुनेगा, ठीक है। अभी सब कुछ सही सुन रहा है, सब कुछ सही सुन रहा है। रोहित जी कैसे हैं आप? ठीक है, मेरे भी झंझट नहीं रहा, कभी इधर पकड़ो और कभी उधर पकड़ो, अब ठीक सुन रहा है। अब चलते हैं आगे। सादृश्यवादी तर्क, सादृश्यवाची तर्कना कौन सी होती है? सादृश्यवादी, सादृश्यवाची तर्क, तर्कना, सादृश्यवाची तर्कना कौन सी होती है? तुलसी जी बताए कौन सी तर्कना होती है सादृश्यवादी तर्कना? देखिए, इस तरह की तर्कना में उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतन चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे मान लिया जाए कि शिक्षक छात्र से यह प्रश्न पूछता है कि रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान एक वीरांगना कैसे थी, तो सादृश्यवादी तर्कना है। इसमें जनरली हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, क्या करते हैं, दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। जैसे कहा गया, क्वेश्चन क्या कहा गया कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी, रानी लक्ष्मीबाई की तुलना करनी है हमें किससे, राणा प्रताप से। देखिए, राणा प्रताप जो थे वो मुगलों के सामने अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, और रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अंग्रेजों के सामने अधीनता स्वीकार नहीं करी, और दोनों ही बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। हालांकि महाराणा प्रताप युद्ध में नहीं मारे गए थे, ये अपने धनुष पर जो है वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, और उस समय प्रत्यंचा टूट गई जिसके कारण इनके घायल हो गए, और फिर इनकी जो है कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है। बट चर्चा ये नहीं है, चर्चा ये है कि सादृश्यवाची तर्कना कौन सी होती है, जो तुलनात्मक चर्चा होती है। आयुष वर्मा जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें हम तुलना करते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए छात्र यह सोच सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी, और ठीक उसी तरह से राणा प्रताप ने सम्राट अकबर से जो है हार नहीं मानी, है ना, यही उत्तर होगा इसका, बस ठीक है। इसके बाद आता है निर्णय। आप बहुत सारा चर्चा करने के बाद किसी ना किसी निष्कर्ष पे तो पहुंचोगे ही, किसी ना किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचोगे ना, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, निर्णय एक तरह का समस्या समाधान व्यवहार होता है, जिसमें व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं, जिसमें से उसे किसी एक को चुनना होता है। निर्णय प्रक्रिया की कुछ परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार दी। निर्णय क्या होता है? जैसे इसको ऐसे समझिए कि आपके सामने समस्या आई, समस्या आई, समस्या पर आपने क्या किया, चिंतन किया, ठीक है। चिंतन में आपने जैसे पांच विचार सोच लिए, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करके आपने क्या कर लिया, निर्णय कर लिया कि या इस तरीके से समस्या का समाधान करेंगे, और फिर आपकी समस्या का क्या हो जाएगा हल। तो निर्णय एक तरीके की क्या है, समस्या समाधान व्यवहार है। क्या है? एक तरीके का समस्या समाधान व्यवहार है। आगे बढ़ते हैं, परिभाषा को देखिएगा। सेंट्रोक क्या कहते हैं निर्णय के बारे में? सेंट्रोक ने 2000 में कहा कि निर्णय में विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है, निर्णय में जो है वो विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है, और उसमें से कुछ को चुन लिया जाता है। जैसे कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए, जैसे रीट में सेलेक्ट होने के लिए आप जो है वो कई तरीके सोच सकते हैं, है ना, और फिर उसमें से किसी एक तरीके को सोचकर उस पर कार्य करना। जैसे कुछ बच्चों ने तो मेहनत करना सोचा कि हम मेहनत करेंगे, कुछ बच्चों ने नकल करने का सोचा, कुछ लोगों ने पेपर खरीदने का सोचा, है ना, यही तो था ना, यही तो था ना। संदीप जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका। अब जिन्होंने मेहनत करने का सोचा, आज वो खुशी मना रहे हैं, चिल कर रहे हैं वो, हालांकि थोड़ा दुख है उनको कि पेपर रद्द हो गया, लेकिन उस दुख से ज्यादा उनको खुशी है, उस दुख से ज्यादा उनको खुशी है, खुशी है कि चलो ठीक है, मेहनत हमारी थोड़ी
परेशान हुई, क्योंकि सत्य हमेशा परेशान होता है। अब जिस बच्चे ने पेपर खरीदने का सोचा, वो अपने निर्णय पर पश्चाताप कर रहा है कि ऐसा मैंने क्यों किया, गाय भी गई और गलावड़ो भी गयो, मारवाड़ी में खावत है, पैसे भी गए और कुछ नहीं कर पाए हम, और नकल करने वाले ये बेचारे सफल तो नहीं हो पाते। नकल करना और पेपर खरीदना दोनों में अंतर है कि नहीं? तो इस तरीके से निर्णय आप इन तीनों का चिंतन करके किसी एक को सिलेक्ट ही तो करोगे। मार्गन किंग विस्प एंड शेकोपलर, 1986 में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि निर्णय एक तरह का समस्या समाधान है जिसमें हम लोगों को कई विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से हम लोगों को चुनना होता है। हमें पांच, जैसे आप हमारे साथ अन अकेडमी पे पढ़ते हो तो अन अकेडमी पर हमारे साथ एक से ज्यादा टीचर हैं हर विषय के, तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप किससे पढ़ना चाहते हो, है ना? यह भी एक उदाहरण है। निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्कना हमें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। निर्णय लेने से हम ज्ञान एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, धारणा बनाते हैं, घटनाओं और वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं। कभी कभी निर्णय स्वचालित होता है और इसमें इसके लिए व्यक्ति की तरफ से किसी चिंतन प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है तथा ये आदतवश हो जाता है। जैसे कि जिस बच्चे की आदत होती है मॉर्निंग में सुबह उठने की, उसके पास ऑप्शन तो दो होता है कि वो देर तक सोते रहे या सुबह उठ जाए जल्दी। तो जिसकी आदत सुबह जल्दी उठने की होती है वो जल्दी उठ जाता है, जिसकी आदत देर तक सोते रहने की होती है वो देर तक सोते रहता है ना? समस्या समाधान की चर्चा करते हैं। समस्या समाधान अंतिम पहलू है चिंतन का। चिंतन का अंतिम पहलू क्या है? चिंतन का अंतिम पहलू है समस्या समाधान। चिंतन का अंतिम बिंदु समस्या समाधान ही तो है। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? समस्या समाधान ही तो करेंगे ना। चिंतन कर रहे क्यों है? समस्या समाधान करने के लिए कर रहे हैं। तो समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। समस्या समाधान उस समय आवश्यक हो जाता है जब व्यक्ति किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है, परंतु लक्ष्य आसानी से उपलब्ध नहीं होता। जब लक्ष्य आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। भाई ये कह रहा है कि चिंतन आप कब करोगे? आप भूखे बैठोगे तभी तो चिंतन करोगे कि खाना कहां से मिलेगा। अगर आपको टाइम टू टाइम अपने आप रोटी मिल जाती है ना, खाना मिल जाता है, तो आप चिंतन नहीं करोगे। जैसे कभी कभी कहते हैं ना, बेटा अभी तो बापू जी के होटल में जी, मैं खुद कमा लीला वो जत बेरो पड़सी। कहते हैं ना कि जब तक तुम अविवाहित हो, अर्थात जब तक तुम अपने पिता के सहारे हो, तब तक तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता करने की बात को नहीं। लेकिन जद खुद कमाओ लागो वो और फिर घर चलाओ वो जद बेरो पारसी, पारसी के पेट्रोल को भाव 200 कि 100 दाल के भाव है, चीना के भाव है ना, सब्जी के भाव है। जब चिंतन करेगा कि कैसे पैसे बचाने हैं, किस तरह से बचाने हैं। नहीं, मनोविज्ञान में ये बहुत है। मनोविज्ञान में आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, मनोविज्ञान के लिए आरबीएससी बहुत है। जैसे हम कुछ लिखना चाहते हैं परंतु कलम या पेंसिल उपलब्ध नहीं है तो हम चिंतन करेंगे, है ना? तो एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ चीजें बाधा उत्पन्न करती है। बेरोन क्या कहते हैं कि समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने या उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है ताकि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। बेरोन 2001 में समस्या समाधान यानी समाधान को परिभाषित करते कहते हैं, समाधान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समाधान क्या है? समाधान जो है वो विभिन्न अनुक्रियाओं को करने या उनमें से किसी एक को चुनने की क्या है, एक प्रक्रिया है। जबकि मैटलिन क्या कहते हैं 1983 में, मैटलिन कहते हैं कि समस्या समाधान के तीन महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है मौलिक अवस्था, दूसरा होता है लक्ष्य अवस्था, तीसरा होता है नियम, और चौथी नहीं होती है, तीन ही अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है? तीन ही अवस्था होती है। देखिए पहली अवस्था की ओर चलते हैं। पहली अवस्था क्या कहती है आपसे? मौलिकता। मौलिक अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जो समस्या के सामने आने पर प्रारंभ
या उत्पन्न होती है। जैसे जंगल में दो दोस्त जा रहे थे और दूर से उन्हें भालू दिखाई दिया, तो भालू जैसे ही दिखाई दिया वो मौलिक अवस्था थी। भालू जैसे ही दिखाई दिया बच्चों को, वो उनकी मौलिक अवस्था थी समस्या की, कि अरे भालू आओ भाई अब तो खास गए। इसके बाद लक्ष्य अवस्था, लक्ष्य अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जो लक्ष्य पर पहुंचने अर्थात समस्या समाधान होने के बाद उत्पन्न होती है। और नियम, नियम से तात्पर्य उस उन कार्य विधि से होता है जिसे व्यक्ति समस्या की मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुंचने में अपनाता है। भालू दिखा आपको, यहां पर आ रहा है भालू, आप यहां पर खड़े हुए हो, ये मौलिक अवस्था है। अब भालू आप तक पहुंचे इससे पहले आपको यहां से गायब होना है। एक बालक पास के पेड़ पर जाके चढ़ जाता है और दूसरा बालक यहां पे लेट जाता है और भालू चला जाता है, इधर से होके इधर चला जाता है। तो ये जो आपने समस्या का समाधान किया है, इसके बाद की अवस्था क्या है? लक्ष्य अवस्था है, क्योंकि आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और इस समस्या का समाधान करने में जो आपने कार्य किया है वो आपका क्या है? वो आपका है नियम। नियम से तात्पर्य उस कार्य विधि से होता है जिसे व्यक्ति समस्या की मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुंचने में अपनाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको 3 किलोमीटर दूरी तक कर सब्जी लाना जाना है, सब्जी लाने जाना है। इस उदाहरण में समस्या की मौलिक अवस्था यह चिंतन हो सकता है कि अभी 3 किलोमीटर उस स्थान से दूर है जहां हमें अभी पहुंचना है। यानी चिंतन रहो यार, 3 किलोमीटर जाना पड़ा हो भाया, आता उड़ीर क्या चले जाओ, है ना? सोचते हैं कि नहीं सोचते? मारवाड़ी में समझ लो, सोचते हैं कि नहीं समझते? जब दोपहर 11 बजे की बात हो, अरे थे कमरे कूलर का पड्डा लाग रहे हो, अरे बाप कैसा बेटा आपने खेत में तेरे पापा ने रोटी दिया, अब यहाँ लागे जाने के गोड्डा ऐसा ही टूट गया, अरे बाप रे खेत क्या जाए जाओ। हालांकि करना चाहिए घर का काम, लेकिन फिर भी एक बार तो आपको चिंतन करना पड़ेगा, बताओ डे लाइफ में कुल जा सीखी है ना। देखिए तो पीछे वाली बुक है वही पढ़ रहे हैं, ये मनोविज्ञान है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है, मनोविज्ञान है। नियम के कई तरह के कार्य विधियां होती है, जैसे पैदल चल के जाएं, कि गाड़ी से जाएं, कि ऊंट पर जाएं, है ना, ऐसे कुछ भी आप सोच सकते हैं। इसके बाद देखिए समस्या समाधान की विधियां। किसी समस्या को समाधान करने के लिए व्यक्ति कई तरह की विधियां और उपायों को अपनाता है। इसमें से कुछ विधि ऐसी है जिनमें समय तो अधिक लगता है, परंतु निम्नलिखित दो विधियां हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। एक है यादृच्छिक अन्वेषण विधि और दूसरी है स्वतः शोध विधि। यादृच्छिक अन्वेषण विधि क्या कहती है? इस विधि में व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न एवं त्रुटि उपाय का सहारा लेता है। दूसरे शब्दों में समस्या के समाधान के लिए वह एक तरह का यादृच्छिक अन्वेषण करता है जो दो प्रकार का होता है, अकर्मक यादृच्छिक अन्वेषण और कर्मक, अकर्मक और सकर्मक या कर्मक। और दूसरा होता है स्वतः शोध अनुसंधान। इस विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करता है जो समस्या समाधान करने में काम आए, है ना। तो उसे संगत प्रतीति कहते हैं। इन इसके तहत आने वाली तीनों प्रविधियों का वर्णन है। एक तो होता है साधन साध्य विश्लेषण, दूसरा है पश्चगामी विश्लेषण और तीसरा है योजन विधि। अंतर स्पष्ट होता है कि समस्या समाधान की कई विधियां हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। मुख्य बात आपसे क्या पूछी जाएगी, देखो यहां से आपको कोई नहीं पूछेगा कि समस्या समाधान करनी कैसे। आपको सबसे ज्यादा जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाएगा? सुलित चिंतन कौन सा होता है, किस आयु के बच्चे सुलित चिंतन करते, कॉन्सेप्ट समझना क्या होता है। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसमें जो लाइन लिखी है, जो परिभाषाएं लिखी है उनसे क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट समझ लिया मीन आपको पता चल गया चिंतन होता क्या है, चिंतन के प्रकार कितने हैं, किस किस प्रकार का चिंतन होता है ना। अब आपको इस टॉपिक से अगर कोई पूछ ले, जैसे आप मान लो ऐसे दोस्त बैठे हो
और आप कहे यार भाई चिंता में पड़ रहे हो, चिंतन में ला रहे हो, तो चिंतन के बारे में आप कुछ बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? अगर आप बता सकते हो तो वो आपका चिंतन सही है, आपके पास डाटा है। अब पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सोली चिंतन की परिभाषा बताओ, चिंतन के प्रकार बताओ, वहां तो पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कक्षा पांच का एक विद्यार्थी ख्वाबों में खोया रहता है, तो वह किस प्रकार का चिंतन कर रहा है? कक्षा पांच का विद्यार्थी जो ख्वाबों में खोया रहता है वो किस प्रकार का चिंतन कर रहा है? वो स्वली चिंतन कर रहा है। कौन सी अवस्था में स्वली चिंतन सबसे ज्यादा करते हैं बालक? कौन सी अवस्था में सबसे ज्यादा स्वली चिंतन करते हैं? वैसे देखा जाए तो स्वली चिंतन सबसे ज्यादा से आपकी जो 3 वर्ष से लेकर और जो 5-6 वर्ष की एज है, जैसे जिन प्याजे ने जो दी थी ना अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो जिन प्याजे की है, उसमें सबसे ज्यादा चिंतन करता है। इसके अलावा किशोरावस्था में भी सबली चिंतन होता है और यथार्थवादी चिंतन भी किशोरावस्था में होता है। तो ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाए तो आप बता सकते हो, या आपको उदाहरण दे दिया जाएगा कोई इस प्रकार का लिखकर, ना एक बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा और लिखकर आपको उदाहरण दे दिया जाएगा कि कौन सी अवस्था में यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण है। इस प्रकार की क्वेश्चन पूछा जाए। आशा करता हूं कि टॉपिक आपको समझ में आया। छोटा ही टॉपिक था, यानी आधा कल कर लिया था हमने, आधा आज कर लिया। कल अपन इसका 9 नंबर यूनिट शुरू करेंगे। टोटल इसमें 10 यूनिट है, 8 यूनिट आपकी पूरी हो गई है। कल यूनिट नंबर 9 करेंगे और कल यूनिट 9, फिर यूनिट 10 और फिर कक्षा 12 में अपने ज्यादा चैप्टर है नहीं, कक्षा 12 में अपने ज्यादा चैप्टर नहीं है। कक्षा 12 में हमें 3-4 चैप्टर ही करने जो हमारे रीट में काम आएंगे, बाकी काम नहीं आने वाले हैं। तो जो रीट का सिलेबस नहीं है, यानी रीट और ग्रेड सेकंड में जो टॉपिक हमारे काम नहीं आने वाले हैं, हम उसको नहीं करेंगे। जो रीट और सेकंड ग्रेड के टॉपिक है वो ही हम कवर करेंगे यहां पर। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और हर सेशन की पीडीएफ अंडर 10 मिनट, यानी सेशन खत्म होने के 10 मिनट में, 10 मिनट में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं रात को 8:30 पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।